गुड इवनिंग बच्चों, हम लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी बेटा क्वेश्चंस की। मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे पहले आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, कुछ आपके पुराने एग्ज़ाम्स के आए हुए और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस नीट 2022 और जेई मेंस 2022 के लिए। तो शुरू होता है बेटा यहाँ से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक, कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एलिमेंट बेटा आपको दी है और इसका इक्विवेलेंट वेट आपको दिया है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हमसे पूछ रहा है। तो यदि हमें एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी ऑफ द एटम। और हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा याद रखिए एक होल नंबर होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। यानी यदि वैलेंसी 2.1 है तो आप उसे 2.1 नहीं दो लेंगे, 2.8 है तो 3 लेंगे, पर कभी भी 2 से 3 के बीच में नहीं लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब सर वैलेंसी कैसे निकलेगी? आइए वैलेंसी निकालने के लिए एटॉमिक वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए तो वैलेंसी भी आ जाती है। अब आपको स्पेसिफिक हीट दिए बेटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ड्यूलॉन्ग पेटिट्स ला कि जो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट होता है ये बराबर होता है 6.4 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम। और ये आपको कितनी दे दी है जरा देखिए, 6.4 डिवाइडेड बाई 0.1। सॉल्व कर लीजिए तो आपका अप्रॉक्स एटॉमिक वेट आ गया 64। अब यहाँ से आप वैलेंसी निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे बेटा? वैलेंसी बराबर एटॉमिक वेट कितना आया है 64 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट कितना है 31.8। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 के करीब आ जाएगा, तो वैलेंसी हम होल नंबर में ले लेंगे कितनी 2। यदि हमारी वैलेंसी 2 हो गई बेटा तो ऊपर वाला फार्मूला आपका क्या था, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट कितना है बेटा 31.8 मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी कितनी है 2। सॉल्व कर दीजिए आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 63.6। तो ये होगा आपका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट 63.6। क्लियर है? यानी हमने 2 फॉर्मूले इस्तेमाल किए। कौन कौन से बेटा? एक ड्यूलॉन्ग पेटिट ला का अप्रॉक्स एटॉमिक वेट 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम होनी चाहिए, और दूसरा एग्जैक्ट एटॉमिक वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी ऑफ एटम। और वैलेंसी किसी भी एटम की हमेशा याद रखिए होल नंबर में होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन बेटा हमें दिया गया है कितना 20.2। एक मिक्सचर है नियॉन 20 नियॉन 22 का, कहता है रिलेटिव एबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप क्या होगी। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद दिलाता हूँ, एवरेज एटॉमिक वेट। हालांकि इससे बहुत सारी एवरेज चीज़ें निकल सकती थी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप इससे निकाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल तो एटॉमिक वेट निकाल के देखते हैं बेटा। ये बराबर होता है लोअर एटॉमिक वेट प्लस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक वेट, यानी जो डिफरेंस है उनके एटॉमिक वेट का, एंड मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई 100। आपसे पूछा क्या है? रिलेटिव एबंडेंस ऑफ हैवियर यानी परसेंटेज ऑफ HAW हैवियर एटॉमिक वेट या हैवियर आइसोटोप पूछा है, तो निकाल दीजिए बेटा। एवरेज कितना दिया है आपको 20.2। लोअर एटॉमिक वेट कितना है यहाँ से देख लीजिए, कितना है बेटा 20 और हायर कितना है 22। तो लोअर हो गया 20 और दोनों का डिफरेंस देख ले 22 और 20 का डिफरेंस हो गया 2 इंटू परसेंटेज ऑफ हायर जो आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 100। इसे सॉल्व करना है बेटा, 20 को इधर ले आओ तो ये कितना बचा 0.2, 100 को भी इधर ले आओ 100 बराबर 2 परसेंटेज। ठीक है, तो ये कितना हो गया जरा सॉल्व करके बताइए, 20/2 तो परसेंटेज बराबर कितना हो गया 0.2 × 100/2। सॉल्व करिए बेटा 20/2, आंसर आ गया 10%। यानी आपका जो हैवियर आइसोटोप होगा उसका परसेंटेज कितना होगा 10%। और हमेशा याद रखिए जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है
हमेशा एवरेज एटॉमिक वेट उसके करीब आता है। अब बताइए तो हैवियर का 10% है तो लाइटर का कितना हो गया 90%, लाइटर है कितना 20, यदि 20 वाला 90% है तो आपका जो एवरेज एटॉमिक वेट आएगा वो किसके करीब आएगा 20 के। इसीलिए आपका एवरेज एटॉमिक वेट 22 से दूर है और 20 के नज़दीक है बेटा, क्लियर है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि एवरेज एटॉमिक वेट बराबर लोअर एटॉमिक वेट इनटू दोनों का डिफरेंस, मल्टीप्लाई करेंगे हायर आइसोटोप, हायर यानी जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, हायर एटॉमिक वेट वाले से, और डिवाइड कर देंगे 100 से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहे, आसान से। विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मे हैव नॉन इंटीजर या इंटीग्रल वैल्यू, सिंपल एटॉमिक वेट। अभी आपने निकाला था बेटा एटॉमिक वेट कितना आया था 63.6, यानी ये होल नंबर नहीं था, लेकिन एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का यानी जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा होल नंबर होता है, मास नंबर क्या होते हैं जेड, देखिए मास नंबर क्या बेटा एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी हमेशा होल नंबर होते हैं, पर एटॉमिक वेट जो होता है वो नॉन इंटीग्रल बिल्कुल हो सकता है, जैसे क्लोरीन का होता है 35.5, और ये इसलिए नॉन इंटीग्रल हो सकते हैं क्योंकि जब एलिमेंट में आइसोटोप पाए जाते हैं तो इट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप, जब इनके आइसोटोप पाए जाते हैं, तो अभी जो दूसरा क्वेश्चन आपने लगाया था तो उसमें जब हम एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं बेटा तो जो एवरेज वैल्यू आती है वो इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है और वो फ्रैक्शनल यानी नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है। इसीलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप इनके जो एटॉमिक मास होते हैं दे मे बी, वो बेटा कैसे हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते। Which of the following have largest number of atoms? ध्यान से सुनिएगा, कभी भी यदि equal amount दिया जाए तो हमसे किसी चीज के मोल पूछे जाए या मॉलिक्यूल पूछे जाए, और यदि ये मोल किसी एलिमेंट के हैं तो उस एलिमेंट के क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाए, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के लिए या और एटॉमिक वेट एलिमेंट के लिए इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा होगा उसके मोल सबसे कम होंगे, जिसके मोल कम उसके मॉलिक्यूल कम, जिसके मोल कम एलिमेंट के उसके एटम्स कम। तो जरा बताइए गोल्ड इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 197, गोल्ड का कितना है 197, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। लिथियम का कितना होता है केवल 7, सोडियम का कितना है 23, क्लोरीन का यदि एटॉमिक वेट निकालूं तो 35.5, तो जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम होगा उसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे, एटम ज़्यादा होते हैं एटॉमिक वेट कम हो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमेशा एक बात दिमाग में रखिएगा बेटा, यदि कभी वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसमें मॉलिक्यूल सेम है तो जिनके मोल सेम उनमें मॉलिक्यूल सेम होते हैं। इसी तरह से यदि एटम्स की बात करें तो भी आप मोल निकालिए एलिमेंट्स के, जिन दो एलिमेंट के मोल सेम होंगे उनमें नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, क्योंकि एक मोल बराबर 6×10^23 है, तो यदि मोल बराबर हैं तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सेम रहेंगे बेटा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहे आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका एक क्वेश्चन किया था, फिर से वही क्वेश्चन है। एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट Z है, दो आइसोटोप है, एक का मास 65 है दूसरे का 67 है, कह रहा है रिलेटिव एबंडेंस जो हल्का वाला है उसकी 25% है, जो भारी वाला है उसकी 75% है, तो कह रहा है बताइए जो एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा, तो किसके करीब होगा 67 के, क्यों इसके करीब होगा क्योंकि इसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो अपना फार्मूला क्या था जरा ये बता दीजिए, अपना फार्मूला था एवरेज एटॉमिक वेट बराबर लोअर का एटॉमिक वेट पहले लिखते थे अपन 65, दोनों का डिफरेंस 2, परसेंटेज हायर का 75 डिवाइडेड बाई 100, ऊपर 150 नीचे 100 कितना हो गया 1.5, तो ये हो गया 65 प्लस 1.5 बराबर 66.5, ये रहा आपका आंसर। कहीं कोई डाउट, सिंपल सा सवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इतने मॉलिक्यूल का वेट पूछ रहा है सीओ के, अब ये बताइए कि सीओ के वेट ऑफ
वन मोल किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। यदि वॉल्यूम होता तो 22.4 लीटर एक मोल के बराबर होता, तो 22.4 लीटर का वेट भी क्या होता? मॉलिक्यूलर वेट। और ये CO का आपको पता है बेटा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा एक मोल का वेट? 28 ग्राम। अब ये बताइए एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 × 10²³ इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, यानी इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है? 28 ग्राम। तो बताइए एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 28 डिवाइडेड बाई 6.02 × 10²। तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2.01 × 10²³ का कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2 × 10²³ से, इससे ये कट गया, 2 से इसे काट दीजिए 3, ऊपर है 28 नीचे है 3, सॉल्व कर लेंगे 9 × 27 यानी 9 कुछ, आंसर आएगा 9.3। याद रखिएगा एक मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसी गैस के 22.4 लीटर का वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है। हमेशा याद रखेंगे बेटा इन फॉर्मूलों को, बड़े काम आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन करने। आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहे। द एक्चुअल वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। कभी भी आपको यदि वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना हो तो आप कुछ मत करिए, आप उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दीजिए 18 और इसे किस में कन्वर्ट कर दीजिए? AMU। ये एक मॉलिक्यूल का वेट होता है, पर उसने आंसर दिए हैं ग्राम में बेटा, तो AMU की जगह ग्राम करिए। तो AMU को ग्राम में कैसे बदलते हैं? 18 × AMU की वैल्यू है 1.66 × 10²⁴ ग्राम। kg में करना हो तो -27 हो जाता है बेटा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 29.9 × 10²⁴ या 2.99 × 10²³ ग्राम। लीजिए ये रहा आपका आंसर। पक्का आसान सा क्वेश्चन था। जब भी कभी आपको वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल पूछा जाए या वेट ऑफ वन एटम पूछा जाए तो आप मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को AMU में लिखिए और AMU को ग्राम में, किलोग्राम में, जिसमें कन्वर्ट करना हो कर दीजिए। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने आपसे कहा था बेटा जब भी लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो आप मोल देखिए, यानी जिसके मोल कम उसके मॉलिक्यूल कम, और मोल तो सभी को निकालने आते हैं। कैसे? ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सबसे कम वैल्यू कौन सी है? नजर आ रही होगी बेटा, ये कितनी है? 1/7 मोल, सबसे कम। देख लीजिए बाकी सबके इससे ज़्यादा आएंगे, ये 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, और ये भी लगभग 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो सबसे कम मोल किसके आए? नाइट्रोजन के। जिसके मोल सबसे कम उसके मॉलिक्यूल्स सबसे कम, तो मिनिमम मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? इसके पूछता मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसके होंगे, तो आंसर हो जाता है ये, जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा। हमेशा एटम देखने हैं एलिमेंट में, कंपाउंड में नहीं, एलिमेंट में एटम देखने हैं तो हमेशा मोल निकालिए, मॉलिक्यूल देखने हैं मोल निकालिए, मोल ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा, मोल ज़्यादा एटम्स ज़्यादा, हमेशा याद रखिए। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। कहते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस है H2 और O2, लिख देते हैं भाई, एक H2 है और एक O2 है, ठीक। किस रेशियो में है? 1:4, यानी यदि ये 1 है तो ये 4 ग्राम। करे व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस। अब इनके मोल्स निकाल के उनका रेशियो निकालना है। हमेशा याद रखिए कभी भी आपको इनके अमाउंट्स दिए हों या रेशियो दिए हों और आपको अमाउंट मानना हो तो चाहे तुम इसका मानो और चाहे इसका मानो, किसी एक का मान लो, जिसका पसंद हो, मैं इसका मान लूँ छोटे वाले का, हमेशा अमाउंट मानोगे किसके बराबर? हमेशा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हायर वाले के बराबर। मतलब भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, ऑक्सीजन का 32, तो कितना मानोगे? हायर वाले के बराबर, यानी इसे मान लो 32 ग्राम। यदि ये 32 ग्राम है तो ये इसका कितना होगा? 4 गुना, यानी ये हो जाएगा 32 × 4 ग्राम। समझ में आया? अब मोल्स निकाल लो बेटा,
कैसे निकालोगे मोल जरा बताना, इसका मॉलिकुलर वेट 2, इसका मॉलिकुलर वेट 32, सॉल्व कर भैया 32/2 16H2, 32 से 32 कैंसिल 4, यानी और सिंप्लीफाई किया तो 4H2 1, काम हो गया खत्म, आंसर आसान सा सवाल था। अब जब भी मानिए हमेशा याद रखिए, कितना मानिए बेटा, अब कहेंगे सर इसको यदि हम 32 मान लेते तो क्या क्वेश्चन होता, हाँ उससे भी हो जाता। चल दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ, मैंने इस वाले को 32 माना, अब पड़ोस वाले को 32 मानिए, उससे भी आंसर आएगा, देखते हैं कैसे। देखना भैया फिर से कर रहा हूँ, यह एच टू यह ओ टू, आपने इसे मान लीजिए, मान लिया 32 ग्राम, चलेगा, रेशियो 1:4 है, तो ये कितना, यदि ये 4 है तो ये 1 है, यदि ये 32 है तो इसका 1/4 होगा ना भाई, 4 का 1/4 तो इसका 1/4 कितना हो गया बताइए, 8 ग्राम। ऐसे कर सकते, अब इसको 1 ग्राम और इसको 4 ग्राम कभी मत मानिए, बस ये याद रखिए, ठीक है ना, हमेशा 32 मानिए, चाहे से चाहे से। अब बता भाई, तो ग्राम हो गए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 32, इसके मूल आ गए 4, इसका मूल 1, आंसर 4:1 आ गया इनका मूल रेशियो। देखो बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला सवाल था, हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है, कहते सपोज दो एलिमेंट्स आपके पास हैं, कितने एलिमेंट आपके पास है बेटा, सपोज टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, और ये कंबाइंड होके आपको कंपाउंड दे रहे हैं, कौन कौन से, मैंने मान लिया एक्स का एटॉमिक वेट स्मॉल ए है और वाई का एटॉमिक वेट स्मॉल बी है, ये आपको मॉलिक्यूल क्या बना के दे रहा है, एक मॉलिक्यूल बना के दे रहा है एक्स वाई टू, एक मॉलिक्यूल बना के दे रहा है बेटा एक्स टू वाई थ्री, तो क्या आप इनके मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं बताइए, क्या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ वन मोल, मॉलिक्यूलर वेट, तो कैसे निकालोगे, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, एक्स का एटॉमिक वेट ए है, वाई का एटॉमिक वेट बी है, तो ए प्लस टू बी, एक्स का एटॉमिक वेट ए है तो 2a+3। सही, जैसे H2O में H का 1 होता है, O का 16 होता है, तो कैसे निकालते, 2H हो गए तो 2×1+16=18, बिल्कुल वैसे आ गया। अब डाटा देखिए क्या दिया, कह रहा है 0.05 मोल, इसका वेट 5 ग्राम है, कितने का वेट बताना, 0.05 मोल का, कितना दे रहा है 5 ग्राम, मॉलिकुलर वेट कितने का होता है बेटा 1 मोल का, तो 1 मोल का कितना हो गया 5/0.05, सॉल्व कर ले कितना आ गया 100, यानी 1 मोल का वेट कितना है 100, किसके लिए एक्स वाई टू के लिए, और 1 मोल का वेट ही मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये बराबर हो गया 100 के, क्लियर, इतना आगे बढ़ जा बेटा, फिर आ जा 3.01×10^23, क्या ये आधा मोल है, 6×10^23 एक होता है, आधा मोल है, तो आधे मोल या 3×10^23 मॉलिक्यूल का वेट कितना है 85, तो इसके दुगने यानी 6×10^23 यानी 1 मोल का वेट कितना हो गया दुगना, तो बताइए 85 का दुगना होता है 170, ये किसके लिए हो गया X2Y3 के लिए। क्या दोनों के मॉलिकुलर वेट्स आपके पास आ गए हैं बेटा एग्जैक्टली, यदि आपके पास दोनों के मॉलिकुलर वेट्स आ गए हैं तो बस अब इन्हें सॉल्व करना है, थोड़ा सा दो इक्वेशन हैं, आइए मैं सॉल्व करा देता हूँ बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें किससे, 2 से, जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 4b, 3b गया बचा b, ये 200 से 170 घटा दिया कितना बचा 30, यानी आपका एटॉमिक वेट b बराबर कितना आ गया है 30। अब आपको क्या निकालना है बेटा, वैल्यू ऑफ a निकालनी है, तो चलिए अपन वैल्यू ऑफ a भी निकाल के देख लेते हैं, इसको क्या हो गया है भाई, चलिए अपन वैल्यू ऑफ ए निकाल के देखेंगे, जरा देखिए अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो समझ में आ गया ना, मैं सॉल्व किया था, फिर से कर देता हूँ, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2a से 2a कैंसिल हो गया घटाने पर, 4b से 3b गया तो b, ऊपर 200 से 170 गया तो 30, तो यदि b बराबर 30 है तो ऊपर रख दीजिए, a प्लस 2×b कितना है 30/100, तो a बराबर कितना हो गया 100-60 यानी 40, तो लीजिए ए बराबर 40 और बी बराबर 30, यही आपसे पूछे गए हैं बेटा एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई के, हमेशा ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, एक मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट 6×10^23 मॉलिक्यूल, एक मोल के बराबर उसका वेट मॉलिक्यूलर वेट, 22.4 लीटर गैस एक मोल के बराबर उसका वेट मॉलिक्यूलर वेट, यही सब मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, क्लियर है बेटा इतना, चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा,
क्वेश्चन नंबर 11-12 आपकी स्क्रीन पर, वही क्वेश्चन मैंने कहा था ना, कहते सेम नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो पहले आप कैल्शियम के मोल निकालिए, मोल ऑफ कैल्शियम कितने होंगे, तो कितने होंगे बताइए, ग्राम वेट अपॉन एटॉमिक वेट है 40, तो बराबर हो गए 1/2। अब जिसका मोल 1/2 आएगा एलिमेंट का, बता भाई जिसका भी मोल 1/2 आएगा उसके एटम इसके बराबर होंगे। जैसे 24 ग्राम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मॉलिकुलर वेट 24, 24 अपॉन 24 बराबर 1 मोल, यानी ये नहीं होगा। 12 ग्राम कार्बन, एटॉमिक वेट 12, ये भी 1 नहीं होगा। 24 ग्राम कार्बन अपॉन 12, ये 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। 12 ग्राम मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई 24, 12 अपॉन 24 बराबर कितना, 1/2 मोल। तो दोनों के मोल बराबर, देखिए मोल बराबर तो एटम्स बराबर, सही है ना, बस। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4th। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सर, देखना सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर से मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। देखो 16 है तो 16 अपॉन 32, 14 है तो 14 अपॉन 28 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का, ये भी 1/2 मोल, ये भी 1/2 मोल, मोल सेम मॉलिक्यूल सेम, क्वेश्चन खत्म। बाकी के निकाल के देख लीजिए, 8 अपॉन 32, 22 अपॉन 44 के बराबर नहीं है, ये 1/4 है, ये 1/2 है। 28 ग्राम नाइट्रोजन यानी डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 40, मोल बराबर नहीं, और मोल बराबर नहीं तो मॉलिक्यूल्स बराबर नहीं होंगे। मॉलिक्यूल बराबर करने के लिए बेटा मोल बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहे आपके सामने। कहते 10 ग्राम ऑफ ईच, सबके 10-10 ग्राम लिए गए हैं, किस किस के बेटा, O2 के, N2 के, NCl2, सबके बराबर अमाउंट लिए गए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इनके अपन क्या निकालेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे। जब अमाउंट बराबर होते हैं तो हमेशा मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, नाइट्रोजन का 28, क्लोरीन का 71। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा उसके मोल सबसे कम, जिसका सबसे कम उसके मोल सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा मोल किसके होंगे, नाइट्रोजन के, फिर किसके होंगे, ऑक्सीजन के, फिर किसके होंगे, क्लोरीन के। क्या यही डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, सबसे ज़्यादा उससे कम सबसे कम। कुछ समझ में आया, कहीं कोई डाउट हो? यदि इक्वल अमाउंट दिया जाता था, अभी पढ़ाया था ना, इक्वल अमाउंट यदि हो तो क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसके मोल कम, जिसके मोल कम उसके मॉलिक्यूल्स कम। क्वेश्चन नंबर 14, 1 dm³ यानी 1 लीटर का वेट दे रहा है, कितने का, 1 लीटर का, कितना वेट है, 2.5 ग्राम। कह रहे मॉलिक्यूलर वेट बताइए, वो भी ग्राम में। तो मॉलिक्यूलर वेट कितने का वेट होता है, 1 मोल का वेट, और 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर का वेट, 2.5 × 22.4 लीटर बराबर 56 ग्राम में पूछा है, तो 56 ग्राम, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पूछा था, तो आंसर आ गया 56 ग्राम। फिर समझिए, 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट, 22.4 लीटर का वेट मॉलिक्यूलर वेट, 2 × vapor density मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट, 6 × 10^23 मॉलिक्यूल का वेट मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहे आपके सामने। कहते इक्वल मासेस लिए गए हैं सभी के, किस किस के, O2 के, H2 के, CH4 के, आर टेकन द रेस्पेक्टिव मोल रेशियो, निकालना है किस रेशियो में मोल्स होंगे। तो फिर से वही काम करो, इक्वल दिया हो तो मॉलिक्यूलर वेट से देख लो। और मैंने कहा था यदि आपको कभी इक्वल अमाउंट मानना हो तो कितना मानोगे, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का 32 है, 2 है, 16 है, तो इसे भी 32 ग्राम ले, इसे भी 32 ग्राम ले, इसे भी 32 ग्राम ले। जब भी मानना हो वेट, हमेशा हाईएस्ट वाले के बराबर मानेंगे। तो मान लिया सबके बराबर से बराबर ले लिए, अब सबके मोल्स निकाल लो बेटा, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, 32/32 1, 32/2 16, 32/16 2, तो आंसर 1:16:2। पहला, हमेशा जब भी वेट मानिए, इक्वल मास मानने हैं तो हमेशा मानिए हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहते हैं कि हमें निकालने क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? फिर सिखा देता हूं, मोल इंडेक्स ट्रिक, दो बार के सर की मोल इंडेक्स ट्रिक, एमआई ट्रिक। देखिए क्या कहती है, समझना। यदि आप पे कोई मॉलिक्यूल है, सपोज ए एक्स बी वाई सी जेड, ये कोई भी एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में एटम ए है, एटम बी है, एटम सी है। इसमें एक चीज होती है जिसे कहते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेक्स। इंडेक्स पता है क्या है? ए का इंडेक्स ये है, ए का इंडेक्स ये है एक्स, बी का इंडेक्स वाई, सी का इंडेक्स जेड। इंडेक्स यानी जो इनके नंबर्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा। मोल अपॉन इंडेक्स ट्रिक कहती है कि किसी भी एटम के मोल, यानी ए के मोल अपॉन इसका इंडेक्स एक्स, ये बराबर होंगे दूसरे एटम के मोल अपॉन उसका इंडेक्स के, बराबर होंगे तीसरे एटम के मोल अपॉन उसका इंडेक्स के, बराबर चौथे पांचवें जितने भी होंगे सबके, और ये फाइनली बराबर होंगे मोल ऑफ कंपाउंड, जो भी आपका कंपाउंड है, यानी ए एक्स बी वाई सी जेड। अब मान लो आपको एटम इसके निकालने हैं n ऑफ a, तो किसके बराबर हो जाएंगे जरा बताना? मोल ऑफ कंपाउंड इनटू x। तो ये तो हो गए मोल। अब इस मोल को नंबर में बदलना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स आ जाएंगे। क्या समझ में आई बेटा ट्रिक क्या है? अब इसे इस पर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको कंपाउंड क्या दिया है, ये दिया है, और ये आपको इसका वेट दिया है, तो पहले आप मोल ऑफ कंपाउंड निकाल लीजिए। तो मोल ऑफ C12 H22O11 निकाल लीजिए, बताइए मोल कितने आएंगे? 1.71 डिवाइडेड बाई कितना है बेटा? 340। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा? कैसे सॉल्व करेंगे देखना। 0, 0 ये हट गया दशमलव, डिवाइड कर दे किससे? 2 से, ऐसे करेंगे ना, तो 1/2 यानी एक और जीरो लगेगा और 5। समझ में नहीं आया, चल फिर से समझाता हूँ। ये लिखा है 1.71 अपॉन 342, पहले थोड़ा साफ कर दूं बोर्ड। चल अब इधर से दिखाता हूँ, देखना मैं मोल निकाल रहा हूँ, कैसे निकालेगा? 1.71 342, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? 171 इंटू 10^-2। बोल भाई सही है, डिवाइडेड बाई 342, सॉल्व कर ले 2। अब ठीक है, तो इसे 10 × 10^-3 लिखूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया? 5 × 10^-3 मोल। अब सॉल्व कर ले, तुम्हारा काम है ये। अब इसमें एमआई ट्रिक लगा दे, तो बता मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई इंडेक्स 12 बराबर मोल ऑफ कंपाउंड, यानी 5 × 10^-3, ये क्या आ गए? मोल। तो बता एन ऑफ सी कितने आ गए? 12×60 × 10^-3, ये तो मोल हो गए, पर उसने एटम्स पूछे हैं, तो मोल की जगह क्या रख सकते हैं? एवोगाड्रो नंबर 6 × 10^23। अब इसे सॉल्व करिए जरा, 6 × 6 कितना हो गया? 36, यानी 360 × 10^23 से -3 गया 20 हो गया, तो ये बराबर आ गया 3.6 × 10^22। आंसर पहला, इट इज मोल इंडेक्स। देखिए कैलकुलेशन है, क्वेश्चन तो आधी लाइन का भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय इंडेक्स बराबर मोल ऑफ कंपाउंड कर दिया, और एन सी यानी मोल ऑफ कार्बन निकाल लिए, तो 60 × 10^-3 आए। नंबर ऑफ कार्बन निकालने थे, तो नंबर निकालने के लिए, मोल हटाने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान बच्चों वाला। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहे आपके सामने। एक मॉलिक्यूल है जिसमें 0.25% ऑफ मेटल है, जिसका एटॉमिक वेट आपको दिया है, मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। हमेशा याद रखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया हो उसका एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम इंटू 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज। तो बताइए एटॉमिक वेट कितना दिया है आपको? 59। नंबर ऑफ एटम 1 दिए हैं, ना दिए हों तो भी आप 1 मानते हैं बेटा, जब 1 मानते हैं तो ये हमेशा मिनिमम होता है, एक से ज़्यादा हो तो मॉलिकुलर वेट होता है। इनटू 100 अपॉन परसेंटेज बताइए कितना है? 0.25%। इसे सॉल्व करना है, कर लेंगे, उम्मीद है आसानी से। आप 0.25 को 1/4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सेकेंड। करके दिखाऊं कि कर लेंगे भाई? चलिए
1 लीटर ऑफ CO2 थी, पास की गई है कोक के ऊपर, वॉल्यूम इतना हो गया है, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्या दे रहा है बताइए। आपके पास CO2 है गैस, आपने कोक यानी सॉलिड कार्बन पे पास किया, रिएक्शन कराएंगे, CO बना रहा है 2 गैस। तो जब आपने इसे लिया है तो ये कितने लीटर है बेटा, 1 लीटर है, सॉलिड का वॉल्यूम लेते नहीं, ये 0। मैंने मान लिया कि ये कुछ रिएक्ट करता है, जब ये 1 रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है 2, यानी मैं मान लूँ ये x लीटर रिएक्ट कर गया तो कितना बचा 1 माइनस x लीटर, तो ये कितना बनेगा, यदि ये x रिएक्ट करेगा तो ये 2x बन जाएगा, यस और नो। तो जरा बताइए टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास गैसेस का, टोटल वॉल्यूम बराबर कितना हो गया 1 माइनस x प्लस 2x बराबर 1 प्लस x, और ये टोटल वॉल्यूम आपको दे रहा है 1.4 लीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे बेटा x की वैल्यू, तो बताए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 लीटर आ गया। यदि x आ गया तो उस x की वैल्यू को उठाइए और उस x की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ आप x की वैल्यू जब रखेंगे, तो यहाँ पे जब बेटा आप x की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर कितना रखेंगे 0.4, तो 1 में से 0.4 घटाइए कितनी आ गई 0.6 लीटर CO2, और जब यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 2 × 0.4 यानी 0.8 लीटर CO2, तो आंसर आ जाएगा 3rd, यानी x की वैल्यू यहाँ रख दी तो ये कितना आ गया 1 माइनस 0.4 यानी 0.6, जब यहाँ 0.4 रखोगे 2 × 0.4 यानी 0.8 आंसर। समझ में आया बेटा, बस ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए थी। और ये ऊपर जो मैंने लिखा, जब 1 मोल CO2 रिएक्ट करेगा तो 2 मोल CO बनेंगे, यदि ये 1 लीटर रिएक्ट करेगा तो 2 लीटर बनेंगे, यदि x लीटर रिएक्ट करेगा तो ये 2x लीटर बनेगा। क्लियर है बेटा, इतना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% 50%, क्या दोनों बराबर बराबर हैं, कौन कौन से जरा बताना, एक एक्स है एक वाई। इसको लगाने की एक सिंपल ट्रिक भी होती है, पर मैं अपनी पुरानी ट्रिक पे पहले बात करता हूँ। दोनों बराबर बराबर हैं तो अमाउंट, इसका एटॉमिक वेट 20 है, इसका 10 है, इसका कितना है बेटा 10, इसका कितना है 20। तो तरीका नंबर एक सुन, मैंने कहा था दोनों के अमाउंट मान ले और किसके बराबर मानना, हायर, तो इसको भी 20 ग्राम, इसको भी 20 ग्राम। अब मोल निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 20, तो इसके मोल आ गए 2, इसका मोल आ गया 1, तो x के मोल 2, y का मोल 1, x के मोल 2, y का 1, फॉर्मूला x2y। पहला तरीका, समझ में आया बेटा। तरीका नंबर 2 देख, ये भी आसान है, ये 10 है ये 20 है, कहते यदि इनके अमाउंट इक्वल हों, परसेंटेज सेम हों, तो इनके एटॉमिक वेट का रेशियो देख लीजिए कितना हो गया 1:2, और इस रेशियो को पलट दीजिए क्या हो गया 2:1, यही कहलाएगा मोल रेशियो, यानी 2 मोल x के 1 मोल y का, फॉर्मूला x2y, यानी जो एटॉमिक वेट का रेशियो है बस उसे पलट दीजिए, वही इनके मोल्स आ जाते हैं, इनका मोल रेशियो आ जाता है। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, फिल्ड किया गया है स्टील के वेसल में, एक्सप्लोड है, अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है भाई कितना बनेगा। देखिएगा पहले रिएक्शन लिख लीजिए, तो आपकी रिएक्शन क्या है, आपकी रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। बता हाइड्रोजन कितना है बेटा 10 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 64 ग्राम। अब बता इसके मूल निकाले जाए, पहले 10/2/32, मूल कितने आए इसके 5, मूल कितने आए इसके 2। अब पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। जब भी हमें प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, किसके से, रिएक्टेंट से। यदि रिएक्टेंट के मोल दिए हों या वॉल्यूम दिए हों तो डायरेक्ट निकल आता है, कैसे, आप क्या करिए, ये जो मोल आपको दिए गए हैं ना, इन्हें कॉफिशियंट से डिवाइड करिए, इसका कॉफिशियंट 1 से डिवाइड करो, इसका कॉफिशियंट आधा आधे से डिवाइड करो, जो वैल्यू कम आए वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसे 1 से डिवाइड करो 5 आएगा, इसे आधे से डिवाइड करो तो 2 1/2 4 आएगा, जो 4 आएगा वही कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, सही है। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकल आया, अब इसके अमाउंट निकालने के ढेर सारे तरीके हैं। एक मैंने आपको VMC ट्रिक पढ़ाई थी कि मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम और मोल डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट,
ये सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम होते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा आप ओरली कर दीजिए, कैसे, कितना है बताओ, ये आधा, जब ये आधा है तो बताइए वाटर कितना बन रहा है, एक मोल, सही है। यदि ये एक हो जाए तो ये कितने बन जाएंगे, दो मोल, यदि ये दो हो जाए तो ये कितने बन जाएंगे, चार मोल, तो आपका आंसर फोर मोल। भाई आधा मोल से एक बन रहा है तो दो से कितना बनेगा, चार मोल। या दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम और मोल अपॉन कॉफिशियंट, आइए उससे भी निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास एक तरीका और है, इससे भी देख लेते हैं बेटा। चलिए फिर से करते हैं क्वेश्चन को। एच टू है, हाफ ओ टू है, गिव्स एच टू ओ है, ठीक। इसके मोल कितने आए थे, बस ये बता दीजिए, दो मोल आए थे, सही ना, और यही लिमिटिंग रिएजेंट था। तो अब निकालते हैं, बता भाई क्या बोला था, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, दो, डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट कितना है, वन बाई टू, बराबर मोल ऑफ एच टू ओ निकालने हैं, कॉफिशियंट कितना है, वन, ये दो ऊपर चला गया तो सीधे सीधे मोल ऑफ एच टू ओ बराबर चार, क्वेश्चन खत्म। वॉल्यूम या मोल डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट, मोल डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट, समझ में आया बेटा, बिल्कुल आसान सा सवाल था, लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसे जरूर पढ़िए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन है मिक्स की गई है इतने ऑफ क्लोरीन के साथ, मोल्स ऑफ HCl कितने बनेंगे। आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, पहले रिएक्शन की बात कर लीजिए। आपकी रिएक्शन है H2 plus Cl2 gives twice HCl। अब बताइए ये कितना है 22.4, ये कितना है 11.2, और पूछ रहा है इसके मोल बताइए। तो यदि इसके मोल पूछ रहा है तो पहले मोल निकाल दे भाई। तो मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम दिया हो तो इसे भी 22.4 से, इसे भी 22.4 से डिवाइड कर दे, ये मोल आ गया एक, ये मोल आ गया 0.5 यानी आधा। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखेगा भैया, इसका भी कॉफिशियंट बन, इसका भी बन, तो कम कौन है Cl2, ये बन गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब देख ओरली करूँ पहले, बता यदि ये एक मोल क्लोरीन है तो कितना HCl बन रहा है, दो मोल, यदि ये आधा मोल होगा तो ये भी आधा यानी कितना बन जाएगा, एक मोल, तो आंसर हो गया एक मोल HCl। या वो तरीका लगा दें जो VMC वाला था, तो कैसे लगाएंगे बता, मोल ऑफ क्लोरीन कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट कितना है, वन, बराबर मोल ऑफ HCl निकालने हैं डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट कितना है, दो, तो निकाल ले, दो इधर चला जाएगा तो मोल ऑफ HCl बराबर 2 × 0.5 यानी 1, तो आंसर हो गया पहला, क्लियर है, चाहे ऐसे लगाइए और चाहे ऐसे लगाइए। हाँ मोल जरूर निकालिए बेटा, यदि उसने मोल में पूछा है तो मोल जरूर निकालिए। आइए NCERT फर्स्ट है, क्लास 11 की, पेज नंबर 22 है, पीछे भी एक क्वेश्चन था मैं दिखाना भूल गया, ये NCERT के कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके, आप खोल के देख सकते हैं NCERT 11 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर भी लिखा हुआ है 22। आइए अमाउंट ऑफ वाटर बना रहा है, आप मेथेन जला रहे हैं बेटा, कितनी मेथेन जला रहे हैं जरा ये बता दीजिए, 16 ग्राम। क्या आपको मेथेन जलानी आती है, दुनिया में किसी भी कंपाउंड को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन बना लेगा CO2 और हाइड्रोजन जितने हों उसके आधे वाटर बन जाएंगे, 2H2, देखो 4H हो गए, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हैं तो मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब बताना ये मेथेन का कितना मोल है, एक मोल, एक मोल मेथेन यानी मॉलिकुलर वेट के बराबर यानी 16 ग्राम। किसका अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो अमाउंट ऑफ वाटर बता कितना बन रहा है, जो पूछा जाए उसे देख, 2 मोल, 2 मोल का मतलब 36 ग्राम के बराबर, तो 16 ग्राम मेथेन से कितना वाटर बनेगा, 36 ग्राम आंसर। क्वेश्चन सॉल्व है आपकी NCERT में, आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था, समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहे, ए सैंपल ऑफ AlF3, ये तो बिल्कुल आसान बच्चों वाला सवाल है, देख AlF3, यदि एल्यूमिनियम एक है तो फ्लोराइड 3 होंगे, यदि फ्लोराइड 3 × 10^25 है, 3 × 10^25 है तो एल्यूमिनियम 1 × 10^25 हो गए, खत्म। फ्लोराइड एल्यूमिनियम के कितने हैं, 3 गुने, भाई 3 गुने हैं ये, तो इसका 1/3 कर दो, एल्यूमिनियम आ जाएगा, देख 1 एल्यूमिनियम 3 फ्लोराइड, क्वेश्चन खत्म। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कम्बशन, सेम NCERT फर्स्ट सेम पेज का क्वेश्चन है, इसको भी कर देते हैं, अभी तो जलाया था मैंने मेथेन को, मैंने मेथेन लिखी थी प्लस 2O2 लिखा था बेटा,
एक मोल CO2 बना था और दो मोल वाटर बने थे। अब कि आपसे किसका अमाउंट पूछ रहा है जरा बताइए, CO2 के, और क्या पूछ रहा है, मोल्स। अब बताइए आपके पास मेथेन कितनी है, हाउ मेनी मोल्स, इसके मोल्स पूछ रहा है। आपको वेट किसका दे रहा है, इसका, तो इसके मोल्स तुम्हें निकालने हैं कितने होंगे। और CO2 का वेट कितना दे रहा है, 22 ग्राम, तो इसके मोल बता दो कितने हो गए बेटा, मोल ऑफ CO2 बराबर हो गए 22 अपॉन मॉलिकुलर वेट 44 यानी 0.5 भी डिवाइड कर दो इसको 44 मॉलिकुलर वेट से। अब फार्मूला लगाइए, वही अभी जो पढ़ाया था, मोल ऑफ मेथेन निकालने हैं डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट 1 बराबर मोल ऑफ CO2 0.5 डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट 1, तो मोल ऑफ मेथेन बराबर 0.5 मोल, आंसर पहला। वैसे भी देख ले, इसके जितने मोल होंगे इसके उतने ही बनेंगे, क्योंकि एक CH4 से एक CO2 बनता है, तो CO2 का यदि 22 ग्राम यानी आधा मोल है तो मेथेन का भी मोल आधा ही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। आइए क्लास क्वेश्चन नंबर 25, ये लीजिए 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, चलिए रिएक्शन देख लेते भैया, ये हाइड्रोजन है प्लस ये ऑक्सीजन है, क्या बनाएंगे, H2O, और कह रहा है वेपर यानी गैस बनाएंगे। अब देखें मैं, इसका वॉल्यूम ले रहा है 10, इसका वॉल्यूम ले रहा है 5, पूछा कितना बनेगा। जब इसका वॉल्यूम तुम एक लेते हो तो इसका कितना चाहिए, आधा, तो ये कितना बनता है, एक वॉल्यूम, सही है। अब देखिए कोई लिमिटिंग नहीं है, तो किसी को भी लिमिटिंग मान ले, दोनों बराबर हैं, किसी से भी निकाल दे, एक से कितना बनता है एक, तो 10 से कितना बनेगा, 10 वॉल्यूम, आंसर 10। या इधर से देख ले, आधे से कितना बनता है एक, आधे से, तो एक से कितना बनेगा दो, तो पांच से कितना बनेगा 10, यानी हर कंडीशन में आंसर आएगा 10 वॉल्यूम। क्लियर है बेटा, चलिए ये थे 25 क्वेश्चंस क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 3, सेकंड के आगे कराएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखिए इन क्वेश्चन को देखते रहिए, क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे 2022 का, तो इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपको लास्ट ईयर के टेस्ट सीरीज याद हो, 2020 सीरीज एंड 2021 सीरीज यदि आपको याद हो बेटा, तो 41 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से 28 क्वेश्चन तो डीटो वैसे ही थे, बाकी थ्योरी से आए थे, तो कुल मिला के क्वेश्चन 41 फंसे थे। अब जिसके 41 क्वेश्चन सही हो गए बेटा, 164 नंबर आ गए, वो अच्छे नंबर अपने आप ले आएगा। कट ऑफ वैसे भी मैंने आपको बताया है कि 600 के आसपास रहेगा, तो आप इन लेक्चर को देखते रहिए, डेफिनेटली इनसे आपको बड़ा फ़ायदा, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लगे रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे अगली क्लास में 25 क्वेश्चंस लेके, कुछ NCERT के, कुछ एग्ज़ाम में आए हुए और कुछ एग्ज़ाम 2022 में आने वाले क्वेश्चंस के साथ। आज यहाँ तक, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।